हम आप पर राज करते आए हैं, वही याद करा दिया ना कि हम राज वाले हैं, आप काम वाले हो, वहाँ ही रहते रहो, ऊपर आने की कोशिश ना करो। देश वैसे ही कंगाल हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। मतलब थोड़ा दिल नू बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है। एज इंटेलिजेंस है, लेकिन उसको थ्रोन पे बैठाना इनके लिए बहुत औखा था, मुश्किल था कि एक नॉन ब्रिटिन बॉर्न पर्सन को हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो हमारे लोग हमें को क्या कहेंगे। देखिए, ये देश है जहाँ आपका सपना पूरा हो सकता है, आप कुछ भी बन सकते हो, प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। ये मौका इन्हें गवा दिया और शो कर दिया दोबारा कि हम आपको एक लेवल तक ले जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। उसके ऊपर तो हम आप पर राज करते आए हैं, वही याद करा दिया ना कि हम राज वाले हैं, आप काम वाले हो, वहाँ ही रहते रहो, ऊपर आने की कोशिश ना करो। इस तरह से क्या क्या आशा कर सकते हैं कि कम से कम वो बोरिस जॉनसन की तरह से इस मुल्क को ख़राब नहीं करेगी। उसका ना कोई सोचने का तरीका था, ना ही व्यवहार कैसे करना है औरतों के साथ या बिजनेस के साथ, वो नहीं करेगी। सबसे बड़ी जो बात है, एज पर इंग्लैंड के अंदर हरियत, रहने के लिए, खाने पीने के लिए रोटी कपड़ा मकान वाली बात आ गई। क्योंकि गैस पानी बिजली इतना बढ़ गया है, महंगाई, रोटी कपड़ा मकान, जब हम भारत में बोलते हैं, आज यहाँ का इशू बन गया है इंग्लैंड का, कि जो पेट्रोल 1 पाउंड का था अभी 2 पाउंड का हो गया। तो इसलिए अगर इसने अपने आप को स्टेबिलिटी लेनी है नेक्स्ट 5 या 10 ईयर, देन कंजर्वेटिव पार्टी नीड टू नाइस पॉलिसी विच हेल्प टू द लोअर फैमिलीज। अदरवाइज वो भगवान ही जानता है, ऊपर वाले जानता है इसका क्या बनेगा, लेकिन लिविंग कॉस्ट बिग इशू हो गया, तो इसको इसका मेन टारगेट होना चाहिए। जे करेंगे कोई काम, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, बचा लो कंट्री नू। पर जे वेख्या जाए, प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक बनना चाहिए।